सल्यूट, इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली आर्ट सल्यूट इज अ प्रोजेक्ट विच हैपेंड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट सल्यूट इज टू सेलिब्रेट द इंडियन आर्मी इन द 75 ईयर्स ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस. द आइडिया ऑफ आर्ट सल्यूट इज टू सेल्यूट आवर प्रोटेक्टर्स वाया ट्राइबल आर्ट्स एंड प्रिजर्व आवर आर्ट्स एंड हेरिटेज कल्चर वाया स्टोरी आर्ट. आर्ट सल्यूट में जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किए वो है द वॉल आर्ट जनरली विच इनकॉर्पोरेट्स थीम रिलेटेड टू द डेली लाइफ ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल, उनकी एक्टिविटीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस, फ्लोरा फौना एंड सबसे नोटेबल साइज जो 8 स्टेट है सेंट्रल कमांड के अंडर में उनका जो भी एक्टिविटीज़ है. सो देखा जाए तो यहाँ पर 9 पैनल्स है वॉल का एंड द आर्टिस्ट दे आर डिपिक्टेड अ थ्रेड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द डिफरेंट पैनल्स दैट स्टार्ट्स विद द सनराइज इन द माउंटेन्स एंड एंड्स विद द सनसेट इन द सी. सो 8 स्टेट्स अंडर द कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वॉल वाया आर्ट फॉर्म जो कि है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. ईच स्टेट अंडर द कमांड हैज़ अर मोस्ट प्रोमिनेंट टोपोग्राफिकल फीचर पोर्ट्रेट एंड द एक्टिविटीज दैट द कमांड हैंडल्स आर मेटाफोरिकली शोन ऑन द वॉल इन स्टोरी आर्ट फॉर्म. ईच स्टेट ब्लेंडेड सीमलेसली इन टू द नेक्स्ट विथ ओनली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट्स ज्योग्राफीज यूज द डेमोस्ट्रेट द कमांड सीमलेस इंटीग्रेशन एंड स्मूथ ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट. एंड जनरली ये जो स्टोरी आर्ट फॉर्म है इसके लिए हमारा रीच और हेरिटेज जो कल्चरल आर्ट है जिसमें आर्ट फॉर्म जो है गोंद एंड व्हील यही यूज किया गया है. मेरे साथ यहाँ पर धानेश्वर जी है और ये आर्टिस्ट है. तो धानेश्वर जी आप गोंद आर्टिस्ट हो कि गोंद आर्टिस्ट हो? तो यहाँ पर जो आर्ट जो दर्शाया जा रहा है गोंद और व्हील आर्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आर्ट गोंद है कौन सा व्हील है, क्या उनके डिफरेंसेस है? सो आर्टिस्ट ने स्टेट वाइज जो स्टोरी वॉल पे दर्शाया है जैसे फर्स्ट पैनल अगर हम कहते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश को. तो वॉल आर्ट जो है यहाँ पर ये पोर्ट्रेस करे कि एन आर्मी मैन इन द इनिशियल फेज ऑफ सर्विस लाइक एनलिस्टमेंट एंड ट्रेनिंग. फेस में स्नो लेपर्ड एंड स्टेट बर्ड भी आपको दिखेगा. अगर सेकंड पैनल की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड स्टेट को दर्शाते हैं जहाँ पर आर्मी मैन जो फ्लड के टाइम पे जो काम करते हैं लाइट किया गया है. यहाँ पर आपको देवधर ट्री भी दिखने को मिलेंगे जो कि गोंद आर्ट के थ्रू दर्शाया गया है. अगर थर्ड पैनल को हम देखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट को जिसमें आर्मी पर्सनल का लाइफ हिस्ट्री दिखाते हैं. यहाँ पर जो लाइफ सर्कल है द अशोका ट्री यहाँ पर दिखाते हैं. इसके साथ कुंभ मेला जो बहुत ही प्रोमिनेंट एक फेस्टिवल है वो भी दर्शाया जाता है. एंड जो फोर्थ पैनल है वो बड़ा इमाम बड़ा को दर्शाते हैं क्योंकि जो हेडक्वार्टर है आर्मी सेंट्रल कमांड का वो यहीं पर ही है. उसके साथ साथ यहाँ पर पीपल का पत्ते दिखेगा जो बिहार का बहुत प्रोमिनेंट ट्री है. फिफ्थ वॉल का बात करते तो वहाँ पर आर्मी पर्सनल के जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो दर्शाते. सिक्स पैनल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मध्य प्रदेश को जहाँ पर पलाश ट्री है वो बहुत ही प्रोमिनेंट ट्री है मध्य प्रदेश का, वो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है. दूधराज जो पक्षी है वाइल्ड लाइफ एनिमल जैसे टाइगर भी है इनको दर्शाया गया है. और जो सेवन्थ पैनल है यानी सातवीं पैनल है वो झारखंड और उसकी वाइल्ड लाइफ को दर्शाया गया है जिसमें आपको वाइल्ड बोर एलिफेंट सब कुछ दिखेगा. एथ जो पैनल है वो छत्तीसगढ़ को दिखाया गया है जिसमें चित्रकूट वाटरफॉल्स भी दिखाया गया है और छत्तीसगढ़ की जो फ्लोरा फौना है उसको भी दर्शाया गया है. नाइन्थ पैनल जो सनसेट को दर्शाते हैं ओडिशा की कोणार्क टेम्पल चिन्हों को यहाँ पर दिखाया गया है. दिस फ्रेम बेसिकली मार्क्स द सनसेट इन द सोल्जर्स लाइफ बेसिकली डिस्क्राइबिंग वेटरन्स एंड द वॉर वीडोज. ऑन द 13th ऑफ नवंबर एट द टाइम ऑफ अनवीलिंग द वॉल नेरोलैक पेंट इंट्रोड्यूस देयर न्यू कॉन्सेप्ट नेरोलैक आर्ट टेल्स. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर वॉल इन टू अ स्टोरी टेलर नेरोलैक विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर वॉल. यू कैन चूज एनी आर्ट फॉर्म लाइक गोंद व्हील और एनी अदर रिच लोकल आर्ट एंड दे कैन कस्टमाइज द वॉल एज पर योर फैमिली स्टोरी. आर्ट ऑलवेज एक्ट एज अ थेरेपी बिकॉज इट अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स यूजिंग पेंसिल पेंट और कैनवास. इट हेल्प्स अस डेवलप ग्रेजुअली एंड इम्प्रूव आवर सेल्फ especially with tribal art where the emphasis of natural element allow us to tap into the region's open space. As a result, Art Salute in Lucknow turned out to be a great learning opportunity and therapeutic ambience for me while also presenting me with various elements of all 8 states that fall under the control of the central command.